हाय गाइस, मैं हूं निखिल और ये है ललन टॉप का न्यूज़ रूम। अभी कुछ दिन पहले कैट के रिजल्ट्स आए हैं और जब से कैट के रिजल्ट्स आए हैं तो जो भी कोई ऐरा गैरा नथ्रू कह रहा है उसके शब्दों में आपको एक बार परसेंटाइल ये शब्द सुनने को मिल जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये परसेंटाइल क्या होता है और कुछ लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग हम में से ऐसे हैं जो इस बारे में तुक्के मारते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि परसेंटाइल होता क्या है और परसेंटाइल के बहाने हम आपको ये भी बताएंगे कि रैंकिंग, परसेंटेज और परसेंटाइल में फ़र्क क्या होता है। परसेंट, पर सेंट, सेंट माने 100 होता है और इसे हम हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। तो नाम से ही जाहिर है हर 100 में से कितना। अब 100 में से 99% लोगों को ये मालूम होगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा पर्पज़ इस वीडियो में यही है कि सारे कन्फ्यूजन दूर करने, तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि परसेंटेज निकाला कैसे जाता है। यदि आपके हाई स्कूल में टी में से एम मार्क्स आए हैं तो इसका मतलब ये कि 100 में से एम इंटू 100 बाई टी मार्क्स आए हैं और यही एम इंटू 100 बाई टी आपके प्रतिशत यानी प्रतिशत हैं। यानी यदि आपके 500 में से 400 मार्क्स आए हैं तो आपके 400 इंटू 100 बाई 500 यानी 80% अंक हुए। अब आते हैं रैंकिंग पे। जिस तरह से हमने परसेंटेज समझा है उससे आप समझ ही गए होंगे कि परसेंटेज एक बहुत पर्सनल सी चीज़ होती है और उसके रिस्पेक्ट में रैंकिंग थोड़ी सी सोशल होती है। अब इस कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को मैं आसान करके कहता हूँ। बात यह है कि परसेंटेज बहुत स्पेसिफिक होता है, वो किसी एक व्यक्ति का होता है, लेकिन रैंकिंग के लिए हमें कंपैरिजन चाहिए होता है, तुलना चाहिए होती है और इसीलिए कम से कम दो लोग चाहिए होते हैं। अभी रैंकिंग किसी भी तरह से हो सकती है, जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स उसकी उतनी ऊँची रैंकिंग, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसके जितने ज़्यादा परसेंटेज उसकी उतनी ऊँची रैंकिंग। अब उसी हाई स्कूल क्लास में लौटते हैं जिसमें हम पहले एग्जाम्पल में थे और ये मान लेते हैं कि आपके अलावा 4 और बंदे हैं जिनके परसेंटेज 100%, 60%, 40% और 20% है। तो आपकी रैंकिंग इस तरह से हुई, जिसके 100% हैं वो हुआ पहला, 80% वाला हुआ सेकंड जो कि आप हैं, तीसरा है 60% वाला, चौथा है 40% वाला और 20% वाले की है 5वीं रैंक। अब आते हैं परसेंटाइल। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस कंपटीशन में आपसे कितने लोग पीछे रहे तो आपका जवाब होगा 3। अगर मैं इस सवाल को थोड़ा रिफ्रेश कर दूं और ये पूछूं कि आपसे इस कंपटीशन में कितने परसेंट लोग पीछे हैं तो आप ये बताएंगे कि जितने लोग पीछे हैं इसका मतलब 3, उसको कंपटीशन में भाग लेने वाले टोटल लोग जो हैं उनके नंबर से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यही परसेंटेज का फॉर्मूला है। और दोस्तों, जो फिगर आएगा उसे ही शास्त्रों में परसेंटाइल कहा गया है। अगर फॉर्मूले की बात करें तो ये ऐसा दिखेगा। परसेंटाइल इसका मतलब रैंकिंग में आपसे नीचे आए लोगों का नंबर डिवाइडेड बाय कंपटीशन में भाग लेने वाले लोगों का नंबर और 100 से उसे कर दिया मल्टीप्लाई। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे एग्जांपल में फर्स्ट रैंक वाले के हुए 80%, सेकंड रैंक जो कि आप है उसके हुए 60%, थर्ड रैंक वाले के हुए 40%, फोर्थ रैंक वाले के हुए 20% और फिफ्थ रैंक वाले के हुए 0%, क्योंकि उसके नीचे कोई है ही नहीं। अब आपने इतना गौर कर लिया होगा कि सबसे ऊपर रैंक वाले का भी परसेंटाइल कभी 100 नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कम से कम खुद तो अपने नीचे नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या ये बात गलत है कि कैट में 20 से ज़्यादा लोगों ने इस बार 100% लाए हैं जैसा कि कहा जा रहा है? अब इस सवाल का जवाब हाँ में भी है और नहीं में भी। नहीं उसी टेक्निकलिटी की वजह से जो मैंने आपको जस्ट अभी बताई, और हाँ कैसे वो आप मेरे साथ समझिए। मान लीजिए कि इस कॉम्पिटिशन में 2 लोग हैं, अब जीतने वाले का परसेंटाइल हुआ 50%। मान लीजिए कि इसी कंपटीशन में 100 लोग बैठते तो क्या होता, तो जो फर्स्ट आता उसका परसेंटाइल होता 99%। अगर कंपटीशन में 1000 लोग हो जाते तो जो फर्स्ट आता उसका परसेंटाइल हो जाता 99.9%। अगर इस कंपटीशन में 10,000 लोग बैठते तो सबसे टॉप पे आने वाले का परसेंटाइल हो जाता 99.99। और जैसे जैसे इस कंपटीशन में बैठने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाती, परसेंटाइल 99 से ऊपर और 100 के करीब पहुंच जाता और एक स्टेज ऐसी आ जाती जब इसे आप लगभग 100 कह पाते। यही कैट के केस में भी हुआ है इस साल। अब इतना सारा गणित हमने आपको समझाया तो कायदे से आपको हमको शुक्रिया कहना चाहिए, लेकिन रवायत ऐसी पड़ी हुई है कि हर वीडियो के अंत में हमें शुक्रिया कहते हैं, तो एक बहुत मीठा सा शुक्रिया।